तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये बच्चा जो अपनी माँ की लाश के पास बैठ के जारो कतार चीख पुकार करके रो रहा है, अपनी माँ को अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से झिझोड़ के उठाने की कोशिश कर रहा है, 5 मिनट पहले यही बच्चा अपनी माँ की गोद में सवारी करता हुआ यहां पर आया। उसको इस दुनिया की परवाह नहीं थी, वो ये नहीं सोच रहा था कि दुनिया कितनी गलीज किस हद तक बुरी है। उसको था कि मैं ऐसी आगोश के अंदर हूं कि दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन 5 मिनट बाद उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई, उसकी दुनिया उजाड़ दी गई, उसके सामने उसकी माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब मैं इसके वाकये की वजूहात आपको बताऊंगा ना, तो आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे कि यार ये तो हैवानों के माशरे में नहीं होता, ये तो जानवरों में नहीं होता जो अशरफुल मखलूकात में होने लग गया है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूकात में सबसे अबतरी बनाई हमें, लेकिन हम जो हरकतें कर रहे हैं ना, जानवर हमसे बेहतर है भाई। आपको पता है कि इसकी मां को कत्ल करने वाला इसकी आंखों के सामने कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब वीडियो के आगाज में ही आपसे माफ़ी मांगता हूं। यकीन करें जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि शायद आज मैं कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर दूंगा जो यूजली मैं अपनी वीडियोज़ में नहीं करता हूँ। ये वाकया अपने अंदर इतनी संगीन नौयत का वाकया है कि शायद मैं अपने अल्फाजों पर कंट्रोल ना रख सकूँ, इसलिए आपसे इब्तिदा में माफ़ी मांगता हूँ। एक तस्वीर गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि एक औरत ज़मीन पर लेटी हुई है और उसके साथ उसका 3-4 साल का ये बच्चा है जो कि अपनी माँ के पास ज़ारो कतार रो रहा है। ये गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने तस्वीर देखी तो यकीन करें मेरा दिल बीच में से कट गया। मैंने इस तस्वीर की डिटेल्स निकालने की कोशिश की, जब इसकी तफसीलात मेरे पास आई हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि क्यामत खुद बताएगी कि क्यामत क्यों जरूरी थी। यह ऐसे ही नहीं कहा जाता, यह ऐसे ही चलते फिरते किसी ने नहीं कह दिया था कि जनाब क्यामत खुद बताएगी कि क्यामत क्यों जरूरी थी। और वाकई में क्यामत दूर नहीं है जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह बच्चा 4-5 साल का, 5 मिनट पहले ही अपनी मां की गोद में आया, इसी मां की गोद में आया जो 5 मिनट बाद इसी के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दी जाती है, और ये उसकी लाश के सामने बैठ के जारो कतार आंसुओं से रो रहा है। ये 5 मिनट पहले अपनी मां पे सवारी करता हुआ आ रहा था, गोद में आ रहा था, दुनिया की फिक्र ही नहीं भाई। बच्चा जब अपनी मां की गोद में होता है ना, उसको होता है कि यार दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं एक ऐसी महफूज पनागाह के अंदर हूं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो एक सेटिस्फेक्शन बच्चे की अलग होती, लेकिन 5 मिनट के बाद उसकी जिंदगी उजाड़ दी गई। उसके सामने उसकी मां को गोली मारी, और गोली पता है आपको किसने मारी है? किसी और ने नहीं मारी, बल्कि जिसने उसको पैदा किया, इसके बाप ने इसके मां को गोलियां मारी इसके सामने। सोचे जुल्म की इंतहा देखिए। और अगर मैं आपको वजह बताऊंगा ना, तो आपको यकीन करें इस बात पर, कहते हैं कि जनाब मैंने एक जुमला सुना, इस माशरे को, ये माशरा इतना खोखला हो चुका है, इस माशरे की बुनियादें इतनी खोखली हो चुकी हैं, माशरा इतना गल सड़ गया है, ये माशरा इतना कैंसर ज़्यादा हो गया है कि जब तक इसको तेजाब से 3-4 बार गुसल नहीं दिया जाएगा ये पाक साफ नहीं हो सकेगा। इस माशरे को गुसल देने की ज़रूरत है, किससे? तेजाब से। अब आप सुनिए कि इसके बाप ने इसकी मां को मारा क्यों। अख्तर इसके बाप का नाम है। अपने अंदर एक जानवर हो गई, इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो अदालत के अहाते के अंदर अपने बच्चे के सामने अब उसकी मां को मार दे, गोलियां मार दे, कत्ल कर दे, वो इंसान तो नहीं हो सकता, वो जानवर है। बच्चे के सामने ना गाली तक नहीं दी जाती है, सख्त आवाज में बात नहीं किया जाता है। ये जिसको हम कहते हैं ना कि ये काफरों का माशरा है, आप ये देखें बाहर निकले, आप यूरोप वगैरह जाए, कहते हैं ना कि जनाब ये मुसलमान नहीं काफिर हैं। वो भाई मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों की तालीमात पर अमल करते हैं, बच्चे के सामने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बच्चे को डांट नहीं सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा उससे सहम जाता है, वो गलत चीज सीखेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इस शख्स अख्तर अपने अंदर एक जानवर होगा। इसकी बीवी ने इस बात का फैसला किया कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसने
खुला दायर करने का फैसला किया कि मैं अदालत के जरिए खुला लूंगी, जो कि हमारा दीन इजाजत देता है, हमारा इस्लाम इजाजत देता है औरत को कि अगर वो मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले सकती है। लेकिन अख्तर की मर्दानगी को हिट हो गया भाई, तो ये क्या यार, ये औरत जो मेरे पैर की जूती है ये मुझसे खुला लेगी। अल्लाह माफ कर, मैं किसी औरत के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आप सोचें अपने अंदर, लोगों ने अपने अंदर ये जमीनी खुदा बने घूम रहा है। इसने सोचा कि मेरी बीवी जो मेरे पैर की जूती है वो अदालत जाके मुझसे खुला लेगी। अच्छा, फिर ये अदालत जब जाते हैं, अदालत में मामला जाता ही नहीं है, अपने बच्चे के सामने उसकी माँ को गोली मार देते। आप सोचिए उस औरत ने खुला लेने का फैसला क्यों किया, जब ये पूरे माशरे के सामने, दिन दहाड़े पूरी दुनिया के सामने एक छोटे बच्चे की माँ को गोली मार सकता है, तो ये रात के अंधेरे में क्या करता होगा, अकेले में क्या करता होगा उस औरत के साथ। हम लोग एक सेकंड के लिए नहीं सोचते। चले आप, वो तो किसी और की बच्ची थी ना जिसको शादी करके आप लेकर आए, किसी और की औलाद थी। अब जिस तरह से कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आते हैं, इस तरह से शायद ये सोच रहा होगा कि मैं कोई जानवर लेकर आऊँ जो मेरे पैर की जूती है, मैं सुबह उठने का कहूँगा उठेगी, बैठने का कहूँगा बैठ जाएगी, खाने का कहूँगा खाएगी, मेरे हुक्म के मुताबिक चलेगी। स्वाद का ये मामला है, लेकिन आप सोचें इस बंदे ने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि ये किसी और की बेटी तो है ही लेकिन मेरे बच्चे की माँ है, मेरी बीवी तो है ही लेकिन मेरे बच्चे की माँ है। उसने अपने बच्चे की दुनिया को ख़त्म कर दिया उसी के सामने, अपने हाथ से आग लगा दी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये वैश्यों के माशरे में नहीं होता है, जानवरों के माशरे में भी नहीं होता, ये जानवरों के माशरे में भी नहीं होता, ये खसूसियात आपको हमारे माशरे के अंदर भी मिलेंगी, ये तमाम खसूसियात, ये तमाम काबिलियत आपको अशरफुल मखलूकात के बीच में ही मिलेंगी। जानवर इस तरह से नहीं कर सकते, कोई हैवान नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ मर्दानगी को हिट हो जाती है भाई, छोटी छोटी बात। मैंने तस्वीर देखी थी ना, यकीन करें मेरा दिल कलेजा कट गया था, मुझे नहीं समझ आया था कि मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकूंगा, किस तरह से आपको अपना दर्द बयान कर सकूंगा, उस बच्चे के आंसू, उस बच्चे की चीखें, उस बच्चे के अल्फाज की तर्जुमानी कर सकूंगा। कोई बात अगर गलत कह दिए मैंने, माजरत चाहूँगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राबता कर सकते हैं, salman.mrz@ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो करें, जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।